हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे रेलवे इंक्वायरी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसके ज़रिए आप किसी भी ट्रेन का लाइव लोकेशन, किसी भी रेलवे स्टेशन का टाइम टेबल, साथ ही रिजर्वेशन संबंधित सारी जानकारी, ये सब आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन के ज़रिए पता चल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, मैंने आपको इस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, प्ले स्टोर पर भी आप इस एप्लीकेशन को सर्च मार कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊँगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं किसी भी ट्रेन का लाइव लोकेशन कैसे पता करें। दोस्तों, अगर आपको किसी भी ट्रेन का लाइव लोकेशन पता करना है तो उसके लिए आपको उस ट्रेन का नाम या नंबर पता होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको उस ट्रेन का नाम नंबर पता नहीं है तो आप गूगल पर अपने स्टेशन का टाइम टेबल सर्च मार कर वहाँ से ट्रेन का नंबर पता कर सकें। नहीं तो इस एप्लीकेशन का दूसरा फीचर, यानी कि अपने स्टेशन का जो टाइम टेबल पता करना है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा, उस फीचर के ज़रिए भी आप अपना ट्रेन नंबर पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दो नंबर की लिंक दिख रही है, स्पॉट ट्रेन, इसके सर्च बार में आप उस ट्रेन नंबर ट्रेन का नंबर डाल दीजिए जिस भी ट्रेन का लोकेशन आप पता करना चाहते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर एक नंबर एंटर कर देता हूँ, 17058। दोस्तों, जैसे ही आप नंबर एंटर करोगे, नीचे आपको आपके ट्रेन का नंबर और नाम पता हो जाएगा। ये देखिए, देवगिरी एक्सप्रेस। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैंने इस पर क्लिक कर दिया, मुझे मेरे ट्रेन की मुझे मेरे ट्रेन की लाइव लोकेशन पता हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये मुझे मेरे ट्रेन की लाइव लोकेशन पता हो चुकी है। दोस्तों, मेरी ट्रेन अभी कामा रेड्डी स्टेशन के पास पास पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, आप ऐसे किसी भी ट्रेन का लाइव लोकेशन पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। दोस्तों, अगर आपको किसी भी रेलवे स्टेशन का टाइम टेबल देखना हो तो सबसे नीचे तीन नंबर पर जो आपको लाइव स्टेशन वाला लिंक दिख रहा है, इस लिंक पर आप अपने स्टेशन का नाम डालकर आप उस स्टेशन पर आने जाने वाले हर ट्रेन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर डाला था निज़ामाबाद जंक्शन। निज़ामाबाद जंक्शन इस रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले सभी ट्रेन की डिटेल आपके सामने आ चुकी है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इस एप्लीकेशन के तीसरे फीचर के बारे में। दोस्तों, अगर आपको किसी भी दो स्टेशन के बीच चलने वाली सभी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि उन दो स्टेशन के बीच कितने ट्रेन चलती है, कौन सी एक्सप्रेस है, कौन सी पैसेंजर है, उनका टाइम टेबल, ये सारी जानकारी आपको इस तीसरे फीचर के ज़रिए मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो लिंक दिख रही है फाइंड ट्रेन, यहाँ पर आप उन दो स्टेशन के नाम एंटर कर दीजिए जिनकी जानकारी आप चाहते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ दो स्टेशन के नाम एंटर कर दिए है और अब मैं इन्हें सर्च करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने दो स्टेशन के नाम डाले थे, औरंगाबाद से लेकर सिकंदराबाद जंक्शन के बीच चलने वाली सारे ट्रेन की डिटेल्स मुझे मिल चुकी है। दोस्तों, कई बार हमें डायरेक्ट रूट की ट्रेन नहीं मिलती है, इसके कारण हमें किसी और स्टेशन पर जाकर ट्रेन चेंज करनी पड़ती है। दोस्तों, ऐसे में इस एप्लीकेशन का ये तीसरा फीचर आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का अगला जो फीचर है वो है पीएनआर चेकिंग। दोस्तों, पीएनआर का मतलब होता है किसी भी पैसेंजर के नाम का रिकॉर्ड। पीएनआर नंबर सफ़र करने वाले की यात्रा के संबंध में जानकारी भी देता है, जैसे कि आपकी टिकट कन्फर्म है या फिर वेटिंग लिस्ट में है। इसके अलावा पीएनआर के ज़रिए आप कोच, सीट नंबर और किराए की भी जानकारी मिल जाती है। दोस्तों, आपको अपने पीएनआर स्थिति पता करने के लिए सर्च बार में आपके टिकट का पीएनआर नंबर एंटर कर दीजिए और उसे सर्च कर दीजिए। उसके बाद आपके टिकट से जुड़ी सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का अगला और लास्ट वाला जो फीचर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस ट्रेन के सीटों की स्थिति पता होना ज़रूरी है, और यह पता करने के लिए आपको यहाँ पर सर्च बार में
जहाँ से आप सफ़र शुरू कर रहे हैं उस स्टेशन का नाम और जहाँ तक आपको जाना है उस स्टेशन का नाम एंटर कर देना है। बाद में आपको नीचे वो डेट डाल दीजिए जिस दिन आपको सफ़र करना हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर कोई भी एक डेट डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों नीचे आप यहाँ पर अपनी क्लास यानी कि श्रेणी सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि स्लीपर, एसी, जो भी आपको उचित लगे वो आप सेलेक्ट कर दें। मैं यहाँ पर स्लीपर को स्लीपर रहने देता हूँ। उसके बाद नीचे आप यहाँ कर अपना कोटा डाल दीजिए, जैसे कि जनरल, तत्काल, फिजिकली हैंडीकैप, जो भी आपको लगे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसको जनरल के जनरल ही रहने देता हूँ। और बाद में नीचे फाइंड सीट अवेलेबिलिटी यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे आपको अपने ट्रेन और सीट संबंधी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि आपने जिस भी स्टेशन को चुना है उस स्टेशन पर जाने वाली सभी ट्रेन और उनका समय, साथ ही उस ट्रेन में कितने सीट आपके लिए खाली है या वेटिंग लिस्ट है, ये सब जानकारी और आपको लगने वाला किराया, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आखिर में मैं आपको इस एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है वेयर इज माई ट्रेन। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही हैप्पी जर्नी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।